हाय गाइस वेलकम बैक टू मेडिकल माय लाइफ आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऐपगार स्कोर सबसे पहले हम देखते हैं ये एपगार स्कोर क्या होता है देखिए बर्थ के एक मिनट बाद और पाँच मिनट बाद हम न्यूबॉर्न को कुछ स्कोर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंस तो वो साइंस क्या है कलर के बेसिस पे मसल टोन के बेसिस पे रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स के बेसिस पे हार्ट रेट के बेसिस पे स्कोर दिया जाता है ज़ीरो वन टू तो टोटल स्कोर कैलकुलेट करने के बाद टोटल स्कोर कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या पता चलता है न्यूबॉर्न की कंडीशन पता चलती है तो एपगार स्कोर क्या है ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है इवेल्युएट करने के लिए न्यूबॉर्न की कंडीशन को इस टोटल फाइव साइंस हैं जिसको हम याद कर सकते हैं न्यूमोनिक एपगार से तो पहला साइन है हमारा अपियरेंस कलर देखना है हमें न्यूबॉर्न का कलर देखना है नॉर्मल न्यूबॉर्न का कलर क्या होता है पिंक लेकिन अगर ब्लू है तो हम उसको ज़ीरो स्कोर देंगे अगर न्यूबॉर्न की जो बॉडी का कलर है वो हमें ब्लू मिलता है मतलब फुल साइनोसिस हो रखी है तो हम वहाँ पे ज़ीरो स्कोर देंगे वन स्कोर कब देंगे अगर बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है ये क्या सजेस्ट करता है पार्शियल साइनोसिस जैसे कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर जो बेबी है इसका जो बॉडी का कलर है वो पिंक है पर जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं एक्सट्रीमिटीज़ का कलर क्या है ब्लू तो इसको अपियरेंस के बेसिस पे कितना स्कोर मिलेगा वन नेक्स्ट इज हार्ट रेट पी स्टैंड्स फॉर पल्स रेट तो हम हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे हार्ट रेट देखेंगे अगर हार्ट रेट जीरो है तो मतलब हार्ट रेट जीरो है तो हम स्कोर भी जीरो देंगे अगर हार्ट रेट लेस देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट है तो वन स्कोर देंगे और मोर देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट है तो टू स्कोर देंगे जो न्यूबॉर्न होता है उसकी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है 120 ट्वेंटी टू वन बीट्स पर मिनट नेक्स्ट इज जी जी स्टैंड फॉर ग्रीमेस तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स वो चेक करेंगे और इस रिस्पॉन्स को कैसे चेक करेंगे हम जो न्यूबॉर्न है उसकी नोज में या फिर ओरो में कैथेटर इंसर्ट करेंगे अगर हमें कफ स्नीज या क्राए का रिस्पॉन्स मिलता है तो हम उसको टू स्कोर देंगे अगर हमें ग्रिमेस मिलता है ग्रिमेस मतलब यहाँ पर क्या है बच्चा एनॉय हो गया इरिटेट हो गया तो हम उसको वन स्कोर देंगे लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम उसको जीरो स्कोर देंगे तो तीन चीज़ें हो गई हैं अपियरेंस पल्स रेट और ग्रिमेस ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी हम बेबी की मसल टोन देखेंगे नॉर्मल जो न्यूबॉर्न होता है उसकी जो मसल टोन होती है लिम्स होते हैं वो कंप्लीट फ्लेक्शन में रहते हैं देखिए आप इस इमेज को देखिए जो ये नॉर्मल न्यूबॉर्न है इसके जो लिम्स हैं वो कम्प्लीट फ्लैक्शन में है लेकिन अग, अगर कम्प्लीट फ्लैक्शन में है तो हम उसको टू स्कोर देंगे लेकिन लिम्स अगर एक्सटेंशन में है तो ज़ीरो स्कोर मिलेगा और एक्सटेंशन और फ्लैक्शन के बीच में कहीं है तो वन स्कोर मिलेगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्लैक्शन लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रेस्पायरेटरी एफर्ट यहाँ पर आपको याद रखना है आर रेस्पायरेटरी एफर्ट बता रहा है और रेस्पायरेटरी रेट नहीं है ये अगर रेस्पायरेटरी एफर्ट अच्छा है मतलब बच्चा खुल के रो रहा है तो हम उसको टू स्कोर देंगे अगर बच्चा खुल के नहीं रो पा रहा है तो वीक क्राई है या फिर उसको हम बोल सकते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग तो उसको वन स्कोर मिलेगा और ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी एफर्ट क्राई एब्सेंट है तो उसको हम ज़ीरो स्कोर देंगे अब ये सारे साइंस देखने के बाद अगर टोटल स्कोर जीरो से थ्री के बीच में आता है तो दैट सजेस्ट न्यूबॉर्न इज इन सीवियर डिप्रेशन फोर टू सिक्स सजेस्ट माइल्ड डिप्रेशन एंड सेवन टू टेन इज नो डिप्रेशन मतलब न्यूबॉर्न इज एप्सोल्यूटली नॉर्मल अब हमने यहाँ पर एपगा स्कोर एक वन मिनट पर चेक किया था और एक हमने चेक किया था फाइव मिनट पर जो वन मिनट पर एपगा स्कोर कैलकुलेट किया जाता है वो क्या बताता है न्यूबॉन की कंडीशन बताता है अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इट डज नॉट इंडिकेट द नीड फॉर रिसक्सीटेशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है रिसक्सीटेशन की नीड है या नहीं वो एक मिनट से पहले ही पता चल जाता है एपगार स्कोर एट फाइव मिनट्स। अगर आपने रिसक्सीटेट करा है तो एपगार स्कोर एट फाइव मिनट क्या बताता है कि इफेक्टिवनेस कितनी है उस रिसक्सीटेशन की क्या एपगार स्कोर इंक्रीज हुआ है या इंक्रीज नहीं हुआ है अगर एपगार स्कोर सेवन से कम आता है ठीक है पाँच मिनट पे जो आपने फाइव मिनट पे एबगार स्कोल कैलकुलेट किया है अगर वो सेवन से कम आता है तो हमें फिर से एबगार स्कोल कैलकुलेट करना है इन एवरी फाइव मिनट्स अप टू ट्वेंटी मिनट्स यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है अगर न्यूबॉर्न का एपगार स्कोर परसिस्टेंटली लो आता है दैट इंडिकेट हाई रिस्क ऑफ न्योनेटल मोर्टेलिटी सो दिस इज ऑल अबाउट ऐपगार स्कोर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से साइंस देखते हैं ए फॉर अपीयरेंस पी फॉर पल्स रेट जी फॉर जी ए फॉर एक्टिविटी देखने जिसमें हम मसल टोन देखेंगे एंड आर फॉर रेस्पायरेटरी एफर्ट इसको हमें कैलकुलेट करना है वन मिनट पे और फाइव मिनट पे इससे हमें क्या पता चल रहा है न्यूबॉर्न की हेल्थ कंडीशन पता चल रही है सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपगार्ड स्कोर इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे मैं अपलोड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा थैंक यू सो मच